भारत में लगातार आ रही इन्वेस्टमेंट, बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट से भारत की इकोनॉमिकल ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी। जहां हाल ही में लंदन की एक रिसर्च संस्था जिसे IHS मार्केट के नाम से जाना जाता है, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है और बताया है कि भारत अब बहुत जल्द जापान से आगे निकलने वाला है, यानी कि भारत एशिया की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा। जहां पर IHS मार्केट ने शुक्रवार को रिपोर्ट में ये जानकारी दी कि 2030 तक भारत एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बनेगा ही, इसी के साथ में जो GDP रेट है वो जर्मनी, UK से भी आगे निकल जाएगी और भारत दुनिया की तीसरी पोजिशन पहुंच जाएगा इन इकोनॉमी। और अगर वर्तमान समय के डेटा के बारे में बात करें तो वर्ष 2020 में भारत की पोजीशन ग्लोबली 6 नंबर पर है और वर्ष 2021 की बात करें तो भारत को फ्रांस ने पीछे कर दिया है, जहां पर भारत की GDP 2.72 ट्रिलियन है, वहीं अब फ्रांस 2.78 ट्रिलियन को पहुंच चुका है, यानी कि अब रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो भारत 7वें स्थान पर आ चुका है। लेकिन जैसे शेर शिकार करने से पहले एक कदम पीछे लेता है, वही तैयारी अब भारत भी बना रहा है, क्योंकि भारत के अंदर जो इन्वेस्टमेंट और मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे कि मेडिकल इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी पे बड़े पैमाने पर काम किया जा रहा है। यहां तक कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इंडिया का, जहां पर $400 बिलियन का तो अकेले एक्सपोर्ट ही किया गया है। सो इन्हीं सब को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है और एशिया में भारत चाइना के बाद दूसरा सबसे ज्यादा GDP वाली कंट्री बनेगा, जहां 2030 तक जो भारत की GDP है वो $8.4 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी। इसी के साथ में रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन है, यानी मेड इन इंडिया को जो सपोर्ट दिया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाई जा रही है, ये उसी का नतीजा है कि भारत बहुत जल्द अपनी GDP में एक बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को पाएगा। यहां तक कि कुल मिलाकर ये कहा गया कि भारत अगले दशक में दुनिया कि सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने वाले देशों में एक होगा। वहीं वित्तीय वर्ष 2022 और 23 में भारत की अर्थव्यवस्था 6.4% के रेट से ग्रोथ करेगी और इसमें इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के साथ साथ डिजिटलाइजेशन को भी ऐड किया गया है। 2030 तक भारत में लगभग 1.1 बिलियन भारतीयों के पास इंटरनेट होगा, जो ज्यादातर ई कॉमर्स का इस्तेमाल करेंगे। देश डिजिटलाइज होगा और ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, मेंस ब्रांड, लॉजिस्टिक स्टार्टअप और बहुत सारी चीजें बड़े पैमाने पर प्रमोट होंगी। तो हाल ही में आई द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हमने आपको जानकारी बताई। आप लोगों का इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।